ये जानवर जो है हमारा अभी पंजाब से यहाँ तक आया गाड़ी में, इसके भी पाँव में मोच आ गई है, तो इनको दर्द के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और ये सारे जितने भी जानवर हैं ये तकरीबन नेक्स्ट ईयर 2023 की कुर्बानी में तैयार होंगे। ये सब अभी बच्चे हैं, और वो जो सरफ खड़े हुए थे वो जानवर 2022 की कुर्बानी के हैं। बाकी ये आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं बछड़ों की, ये सारे अभी बच्चे हैं बिल्कुल। ये जो बछड़े हैं ये बछड़े सब क्या वो बकरिया लगाओ इंजेक्शन लगाओ क्या लगाओ तुम लगाओ तुम लगाओ मैं लगाओ। ये बछड़ा है देखिए, पाँव में मोच लगी है, उस चक्कर में इसका इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और ये इंजेक्शन लगा दिया इसको, क्योंकि इसके भी इस पाँव में जो ये बहुत एक्सपेंसिव जिसको बोलते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव बछड़ा है, और इसकी उम्र सिर्फ 9 महीने है, और ये बहुत तकरीबन ये 2 साल इसको पलेगा तो ये अपनी वजूद पर आएगा जो इसका उरूज होगा। ये तकरीबन 2023 में 2 दांत हो जाएगा, मगर ये असल कुर्बानी में जो लगेगा वो 2024 में जो ये उसका उरूज होगा, जिस पर ये अपने फुल वजूद में आएगा। और बछड़ी भी 2023 में कुर्बानी 2 दांत की हो जाएगी, मगर ये जो असल वजूद में आएगी 2024 में आएगी। और ये सारा जितने भी जानवर हैं ये सारे 2023 और 2024 के ही हैं, मोस्टली 2023 में ये सब जो है 2023 में 2 दांत के हो जाएंगे, मगर ये जो जानवर हैं ये सारे जितने भी हैं ये 2023 में हो जाएंगे, मगर ये 2023 में भी मुश्किल है कि इनके कुर्बानी लगे। इसमें से ये जो ये कैटेगरी बैठी हुई है ये जैसे ये भी 2023 में हो शायद हो जाए 2 दांत, मगर मोस्टली जो है ये 2024 में ही कुर्बानी पर होंगे, क्योंकि 2 दांत के बाद जो असल फार्म पर जानवर तैयार होता है वो तकरीबन मोस्टली 4 दांत तक भी जाते हैं। जैसे ये बछड़ा है हमारा, ये बहुत A+ क्वालिटी का है, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है, और मगर ये जो है अभी खीरा है, और ये भी ऑस्ट्रेलियन क्रॉस में है बछड़ा, ये भी स्टिल खीरा है, ये बछड़ा है ये भी खीरा है, ये 2 दांत हो रहा है अभी। ये देखिए ये वाइट अल्बिनो, ये बहुत एक्सपेंसिव जानवर है, पिंक नोज पिंक आईज, इसकी आईज चेक करें, इसकी आँखें कैसी हैं, इसकी आँखों में इस आईज और इस पिंक नोज को अल्बिनो कहा जाता है। ये इसकी दुम, इसके पाँव, इसकी हर चीज़ चेक कर सकते हैं, ये किस कैटेगरी के किस क्वालिटी का बछड़ा है। एक हमारे पास खूबसूरत बछड़ा ये भी है बहुत, ये सब जो है मोस्टली 2023 के में कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, ये इस साल कुर्बानी पे तैयार नहीं होंगे। ये बछड़े जो हैं ये सारे साल कुर्बानी में तैयार होंगे। इसमें से ये भी अभी स्टिल खीरा है, ये भी खीरा है, ये 2 दांत होने वाला है, 2 दांत थोड़े दिन में हो जाएगा ये। और ये जो बछड़ा है बहुत बड़ा बछड़ा है, बहुत बड़े वजूद से बहुत चोट लगी है गाड़ी में। ये जो बछड़ा है इसको बहुत गंदी तरीके से ट्रक में स्लिप हो गया था, और इसको इस तरह से भी चोट लगी है, इसके पाँव में भी चोट लगी है, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है इसलिए, मगर अल्लाह का शुक्र इसकी हड्डी वड्डी नहीं टूटी, हड्डी बच गई है इसकी, सिर्फ मोच आई है टांग में और इस तरफ अंदरूनी को चोट लगी है। ये बछड़ा है ये भी 2023 में, ये पांडा है, ये भी 2023 में कुर्बानी पर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। और ये जितने सारे हैं ये तकरीबन 2023 की कुर्बानी में मोस्टली तैयार हो जाएंगे। TMT कैटल फार्म से बात कर रहा हूँ मैं, हमारा चैनल प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिसने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें।